मुकाबले से हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने चाहूँगी। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियाँ, हम सब की माएँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। लोग कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है। क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं। आज भी दुनिया में इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है, और मुझे उन लोगों से एक सवाल है, फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए क्यों नहीं होता तैयार? 21 साल तक कोई भी माँ बाप टीवी, फ्रिज, सोफा मशीन, बेड आदि नहीं खरीदता, पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है। एक फेसबुक के सीईओ जकाबक ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी। यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए अपनी गंजी पहना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का, नियत आदमियों की खराब होती है, घूंघट औरतों से करवाते हैं। अरे बहन बेटी को तो छोड़ो, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उसका बंटवारा कर लेते हैं, और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अरे माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी चढ़ जाए ना, अगर बेटी को पता चल जाए, पता है क्या कहेगी? कि बेटा चूल्हे पर रोटी बना रही थी ना, इसलिए गर्म हूँ। अब हमें अपने पुराने रिवाज को तोड़कर ऐसा कर गुजरना होगा कि दुनिया में हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। एंड आई थिंक वुमेन ऑफ फुल इज द थिंग द इक्वल टू मैन द स्पेयर देन मैन बिकॉज हैव ऑलवेज बीन इफ एनी मिस्टेक देन सॉरी थैंक यू।